तो ये हम सुबह सुबह उठ के मस्जिद पहुँच गए और ये हमारे भाई हनी ने अजान दी। और बीच में से फिर हमने अपना नूरानी चेहरा भी देख लिया और ये फिर अजान देने के बाद हम दोनों थोड़ा सा लेट गए क्योंकि नमाज के आगे 40-45 मिनट रहते थे और ये फिर नमाज के लिए टाइम करीब होता गया। नमाज पढ़ने के बाद हमने सोचा कि आज चलते हैं हम कब्रिस्तान पर। तो यहाँ पे हनी भाई ने एक मस्ती की, वो वीडियो में कैप्चर नहीं हुई। इसने एक घर का घर पे दस्तक दी और वहाँ से हम लोग निकल के भाग गए, भाग के हम डायरेक्ट कब्रिस्तान में पहुँच गए। और ये हम सुबह सुबह के वक्त कब्रिस्तान पर पहुंच गए थे और यहाँ पर मैंने सोचा कि आज अपनी दादी अम्मा की कब्र पे लिख लेते हैं, उनकी तख्ती डार्क कर लेते हैं। तो हमने हनी ले के रात को मार्कर अपने साथ, तो फिर हमने यहाँ पे उनकी कब्र पे जो लिखाई थी, लाइट हुई थी, वो डार्क की। और ये फिर सुबह सुबह का नज़ारा बहुत ही खूब आला नज़ारा था और सही माइंड फ्रेशिंग आवाज़ें परिंदों की, बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद यहाँ से हमने कब्रों पर लिख लिखा के हम चल पड़े हनी की दादा की कब्र की तरफ। तकरीबन मुझे यहाँ पर लिखते हुए एक घंटा लग गया था एक तख्ती भरने पर, क्योंकि ये बहुत ही बारीक बारीक लिखा हुआ था और सारा नज़र नहीं आ रहा था। तो बहुत मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये रंग ले आई। तो इसकी पिक्चर आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह।